कक्षा 11 हिंदी सूर का भ्रमर गीत, इसमें आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। इसमें जो शेष है वो बताया जाएगा। आज जो है उधव जोग जोग हम नाम। गोपियों के समक्ष उद्धव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान का उपदेश देने के लिए पहुंचे हुए हैं और कहते हैं उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को योग साधना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उद्धव जी से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम सभी गोपियां योग साधना करने के योग्य नहीं। उद्धव जोग जोग हम, हे उद्धव जी, हम में योग साधना करने की योग्यता हम में नहीं है, उसके योग्य हम नहीं है। अबला सार ज्ञान कह जाने। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम सभी तो सबसे पहले अबला है, अबला स्त्रियां हैं और हम सभी ईश्वर के तत्व ज्ञान को नहीं जानती हैं, क्योंकि वह निर्गुण निराकार ब्रह्म ईश्वर ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान को पंथ कराल महा तलवार के धार पे धावन है। ज्ञान का मार्ग, ज्ञान का रास्ता बड़ा ही भयंकर है और तलवार की तीखी धार पर चलने के समान है। तो हम सभी ईश्वर के तत्व ज्ञान को नहीं जानती हैं, तो कैसे ध्यान धरा। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ईश्वर का ध्यान हम सभी कैसे कर सकती हैं, कैसे उसका ध्यान धर सकती हैं, रख सकती हैं। ते मूदन नयन कहत हूँ हरि मूरत जिन माही। हे उद्धव जी, आप हम सभी गोपियों को आँख बंद करके उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करने की बात करते हैं आंखों को बंद करके, लेकिन हरि मूरत जिन माही, हमारी आंखों में तो श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जा। हे उद्धव जी, आपके द्वारा की जाने वाली यह छल कपटपूर्ण बातें अब हम सभी गोपियों से सुनी नहीं जाती। श्रवण चीर सिर जटा बधावहु ये दुख कौन समाए। श्रवण चीर, योग साधना में आप कान को चिरवा करके, कानों को चिरवाना और सिर जटा बढ़ा
पर जटा बढ़ाना, ये दुख अब हम सभी गोपियों से ये सहन नहीं हो सकते। चंदन तज अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाय। आ हम सभी गोपियों को चंदन को छोड़कर अंग भस्म बतावत, अंगों में शरीर के प्रत्येक अंगों में आप भस्म लगाने की बात कहते हैं। विरह अनल अति दाही, श्री कृष्ण के वियोग में विरह की अग्नि में हमारा शरीर अत्यंत जल रहा है। जोगी भ्रमत जाहि लगि भूले, सोते सो तो हैं अपना। योगी लोग, संत पुरुष लोग जिस ईश्वर को पाने के लिए, जिस परमात्मा को पाने के लिए इधर उधर अन्यत्र वन में जंगल में भ्रमण करते हैं, भटकते हैं, अन्यत्र स्थानों में उस परम तत्व को, परम ब्रह्म को खोजते हैं, सो तो हैं अपमाही। वे ईश्वर परम आराध्य श्री कृष्ण हमारे हृदय में बसे हुए हैं। सूर श्याम तय न्यारी न परछिन, जो घट तय पर छाए। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हम श्री कृष्ण से कभी भी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए कभी भी उनसे अलग नहीं है। जिस प्रकार से शरीर से उसका प्रतिबिंब, उसकी परछाई कभी भी अलग नहीं होती है, उससे कभी भी दूर नहीं होती है। हम सभी गोपियाँ सदैव श्री कृष्ण के निकट हैं, उनसे कभी भी अलग नहीं है। अगला है, लरिकाई को प्रेम कहो अलि कैसे छूटत। गोपियां आपस में वार्तालाप करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण के साथ जो बचपन का प्रेम था, बालपन में जो उनके साथ प्रेम था, वह कैसे छूट सकता है। कहाँ कहाँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूट। श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। अंतर्गत लूटत, वे मेरे हृदय को ही लूट लेते हैं, अर्थात मेरा हृदय जो है श्री कृष्ण के वशीभूत हो गया है, उनके बस में है। हमारी सभी इंद्रियां, मन और शरीर जो है श्री कृष्ण के बस में है। वह चितवन, वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावन। श्री कृष्ण की सुंदर चितवन, अर्थात उनका देखने का सुंदर ढंग और उनकी सुंदर चाल, चलने का ढंग, उनकी मंद मुस्कान और मंद मंद स्वर से, मंद मंद ध्वनि से उनका गाना, नटवर एस नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवन। श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण की नटखट वेशभूषा
और उनकी प्रसन्नता और गोचारण करके उनका वन से लौटना चरण कमल की सौंह करति हां, यह संदेश मुनि विषम लागत। जो है जिनकी चरण कमल के समान, जिस श्री कृष्ण के पैर कमल के समान अत्यंत सुंदर हैं, उन श्री कृष्ण की कसम खा कर के कहती हूँ, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपका निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो संदेश है, उनकी उस ईश्वर की उपासना करने का जो संदेश है, वह हमें विष की तरह जो है विष के समान लगता है, विष के समान कष्टकर प्रतीत होता है। सूरदास पल मोहि न बिसरति मोहन मूरति सोवत जाग। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण की वह मोहिनी मूर्ति, सुंदर मूर्ति एक क्षण के लिए भी कभी भी फूलती नहीं, सोते और जागते कभी भी, सोते वक्त या जागते वक्त किसी भी समय श्री कृष्ण की वह मोहिनी मूर्ति, वह सुंदर छटा, वह सुंदर दृश्य हमसे कभी भी भूलता नहीं, अलग नहीं होता।